बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ फिर हाजिर खिदमत हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। हम इन्वेस्टमेंट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर का सेकंड पार्ट हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हेयर इज योर चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2। And we were discussing in the last class कि वो कौन से elements होते हैं, वो कौन से ऐसे अनासिर होते हैं जो trigger करते हैं लोगों को investment की तरफ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा investment की तरफ उभारने के लिए, उनको शौक दिलाने के लिए, या उनके लिए इस चीज़ में ज़्यादा interest develop करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जो है वो एक आम आदमी को इस तरफ लेकर आती हैं। उसमें हमने जहाँ पर टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो हमने इसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ा, इसी तरह से हमारी जो अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एलिमेंट है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से है। कि देखें, अगर मुल्क के अंदर स्टेबल इन्वायरमेंट होगा, जो सियासी इस्तेहकाम जिसको हम कहते हैं वो पाया जाएगा, तो अल्टीमेटली लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसके जो है वो बरक्स, अगर मुल्क में जो है वो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर सिचुएशन होगी, करप्शन कर रहे होंगे लोग, टेररिज्म बढ़ता जाएगा, या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लोगों में आते जाएंगे, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम होता है, वो जो है वो मुल्क के अंदर सराइत कर जाते हैं, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मतलब हुकूमतों का जो है वो आना और जाना, उससे क्या होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो ये जो सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा जो अमल होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए या उसको जो ज़्यादा इसकी तरफ लोगों को तरगीब दिलाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाए या इंस्टेबिलिटी जो है वो ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉपुलेशन का है। देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। डेफिनेटली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पूरी दुनिया की इंक्रीज कर रही है, तो ये भी एक फैक्टर है इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आने का, कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लोग उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। जब प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बिल्डअप होगी तो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जी सेविंग्स। सेविंग्स के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सेविंग जो है, कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतना ही लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप बेशक सोचते रहें कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको इसकी तमाम इम्पोर्टेंस के बारे में भी इल्म हो, लेकिन आपके पास अगर कुछ भी अमाउंट सेविंग्स में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट व्हेन देयर आर लार्जर नंबर ऑफ सेविंग्स वी कैन ऑब्जर्व मोर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाता है जी सिक्योरिटी, यानी कि तहफ्फुज़। कंपनीज हैव फियर ऑफ नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी वजह से उनको ये डर, ये खौफ उनके दिल में होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ना हो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसकी नेशनलाइजेशन कर दे, और अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट उसको जो है वो प्राइवेटाइज ना कर दे। ये दोनों फियर्स जो होते हैं, ये या होप भी हो सकता है या फियर भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सम टाइम मुल्की मुफाद की खातिर ऑर्गेनाइजेशंस को नेशनलाइज भी किया जाता है और प्राइवेटाइज भी किया जाता है। इंशाल्लाह किसी अगली क्लास में, किसी अगले चैप्टर में या किसी अगले टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्राइवेटाइजेशन, जिसको उर्दू में निजकारी कहते हैं, और नेशनलाइजेशन यानी कि कौमियाए जाना, ये दोनों प्रोसेसेस क्या होते हैं। और अपने इंटरेस्ट के लिए आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट,
और ये चीज़ अब आप इसको सर्च करें, आप इसको ढूंढें, बुक में भी आप पढ़ें कि आप देखें कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, क्यों किया जाता है, या नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसको क्यों परफॉर्म किया जाता है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.